हेलो गाइस, अब हम लोग निकल रहे हैं मैनपुर से कुमारी की ओर, कुहेमारी सॉरी बीच में ना बोल, ठीक है। कोई मारी जा रहे हैं भैया, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं आगे, तो आप मन देख सकते हो गाइस, हम कामे जाता नहीं है ड्यूक 200 BS 4 AR15 वर्जन 4 390 RCA और NH 200 BS 6 जिसर BS 4 और यहाँ पे RS के बम और गाड़ी है मोर जाके अमन साहब से देखो RS के बम और गाड़ी है मोर तो हम लोग निकल गए हैं अपना मैनपुर खुर्द से। अब रास्ते में बने रहिए और हम भी अब सब सारे दोस्त ये सब एक एक करके निकल रहे हैं, क्योंकि इतना वक्त लगता है यहाँ से, हम तो गाइस देख सकते हैं बहुत सारे ट्रक खड़ी हुई है और आगे क्या हुआ है हमें पता नहीं, तो चलते हैं आगे फिर पता चले क्या हुआ है। और यहाँ तो ट्रक का बन चार कम से कम लंबा लाइन लग रहा है मेरे को, तो आगे कितनी लंबी लाइन है तो क्या पता, बढ़ती जा रही लाइन से बहुत ही कहूँ फिर ज़्यादा ही ट्रक खड़े हुए हैं गाइस, इतना सारा है गाइस, ये तो 50-100 से ज़्यादा खड़ी हुई है, यहाँ देख सकते हैं इतना सारा ट्रक है, तो आगे बहुत सारी ट्रक खड़ी है। हम लोग पहुँच गए जहाँ पे गाड़ी पलटा है, तो आगे तक बने रहिए, दिखाते हैं हम लोग आगे ट्रक को भी कैसे पलटा हुआ है और कैसे जाम। तो आप देख सकते हैं आगे गाड़ी पलट गई है, तो आगे हम लोग दिखाएंगे, आगे भी रास्ता जाम है तो आगे चलते हैं। गाड़ी इस तरह से ठुकाई है साइड में, और भी गाड़ी है जो कि इधर जो पलटी हुई है गाड़ी और आगे क्रेन उठा रही है। सब देख सकते हो काफी मुश्किल से कार पार हो रही है, क्योंकि जगह नहीं है साइड में, और यहाँ ट्रक उस साइड एक अलग पलटी है और ठुकाई वाली गाड़ी अलग है। मैं सबको दिखा रहा हूँ कैसे पलटा हुआ है गाड़ी, इधर गड्ढा था शायद साइड रहते ये गाड़ी पलट गई होगी, और इधर ये क्रेन थी तो उसको उठाने आई थी। जग्गा नहीं है एक तो गई, इसलिए चार जग्गा फूट गया है लगता है। तो इस साइड से भी देख सकते हैं, और ये ट्रक भी साथ पलटने वाली है, तो इसमें कीड़ा वीड़ा का जुगाड़ किए हैं इन लोग एक लकड़ी काट के। ये गाड़ी आगे चढ़ नहीं पा रही, चक्का स्लिप हो रही है और सबको धक्का लगाना पड़ेगा तभी चढ़ पाएगी। ये सब दोस्त अभी जा रहे हैं गाड़ी को धक्का लगाने, धक्का लगाएंगे, और ये देखिए कितना आसानी से निकल गया गाड़ी। तो मैं आगे चल के भाइयों को पूछता हूँ कि यहाँ क्या हुआ था, कैसे ये गाड़ी पलटी, मैं सबको पूछता हूँ अभी। भैया भैया क्या हुआ था आगे? ये वाला गाड़ी पूरा तरीका
रवि 1504 ये जो भाई का सर फटा था, हम लोग अपने बाइक से अपने मेडिकिट निकाल के भाई का सर में दवाई वही लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादा जंगल में पलटा है तो कहीं कुछ मिल नहीं सकता, तो हमारे बाइक में थी तो हम लोग सब दवाई वही दे रहे हैं। बहुत लंबा लगा था भाई को चोट, तो हमारा अभी यहाँ पे स्टॉप हुआ है। हम लोग है अभी केस काल नाश्ता का टाइम, अभी केस काल का बस स्टैंड बैठ गए और सबका नाश्ता चालू, तो देख सकते हैं। और ये पांडा बड़ा पांडा, ये हमारा कालू पांडा, क्या खा रहे हो पांडा? पांडा हम लोग अपने गाइस लास्ट स्टेप चल रहे हैं अपने बाइक के साइड। तो अब चले अपन अपने रखर के पहुंच गए अपने बाइक के पास। अब हम लोग निकलने वाले हैं गाइस यहां से कोहेमारी के लिए। ये है केस काल बस स्टैंड, अब हम लोग निकलेंगे कोहेमारी। तो हम केस करके बस स्टेज निकले तो कुछ सब्सक्राइबर मिल गए थे, रुक गए थे, पूछे थे कहाँ जा रहे थे, तो हम बातें कर रहे थे। चलते हैं आगे, निकलने वाले हैं। देख सकते हो गाइस हम लोग इतना चढ़ान में अपने गाड़ी लोग को चढ़ा रहे हैं, बहुत चढ़ान है, ऊपर पहाड़ ऊपर चढ़ रहे हैं। पर हम लोग को रास्ता पता नहीं है इधर जाना है या इधर, तो हमें अभी डिसाइड करना है इधर जाए या इधर। अगर भटक गए रास्ता तो फिर से वापस आ गए हम लोग है पहाड़ के ऊपर। और ये गाइस इन लोग रास्ता खोजने जा रहे हैं आगे, और इधर ये गाड़ी जाएगी इधर आगे खोजने। तो वीडियो तक लास्ट तक बने रहिए, ऐसे ऐसे वीडियो हम लोग पहाड़ के ऊपर दिखाते रहेंगे। और ये सब और अभी अपना पता नहीं है, तो देखते हैं, खोजते हैं, मिलते हैं आगे, मिल जाएगी रास्ता। और ये हमारा बाइक का 20-20 रुपया ले रहे हैं, और ये सब नाका खुलने के बाद सबका एंट्री। तो हमें सारी बाइक का टिकट मिल गया है, सभी एक ही टिकट में है, तो देख सकते हैं चलते हैं। पूरा कार का पार्किंग, क्योंकि कार आगे जा नहीं सकती, हमारे बाइक भी गाड़ी इधर खड़ा किए, हमारा बाइक यहीं खड़े करना पड़े, क्योंकि आगे रास्ता नहीं है। यहाँ पे सब अपना अपना बाइक खड़े कर लिए। झरने के पास अब कुएं मारी, और ये सब अपना पैदल यात्रा चालू कर चुके हैं। गाड़ी करके काफी दिक्कत के साथ हम लोग पहुंचे हैं यहाँ, बड़ा बड़ा पहाड़ चढ़ना।
अब हम लोग को काफी गूगल हम लोग को बना दिया आज गूगल के सहारे मत आओ हम लोग ना मानो और हम लोग आपको एक नंबर नजारा दिखाने वाले हैं तो बने रहे वीडियो पर ये देख सकते हैं आप हुए मारी और इधर एती एक बार देख का वो एती ले एती ले यू आने यू देखा था नीचे का वो नहा वो नीचे वो आगे देख सकते बहुत बड़ा खाई है दोस्तों आगे दांत लगा है जो आगे ना जा पाए के सब देख सकते हैं कि तार लगा हुआ है क्योंकि आगे बहुत ही खाई है गिर मत जाए करके काफी सुंदर नज़ारा मैं नीचे जाकर दिखाऊंगा तो देखते रहे बहुत ही सुंदर है फाइनली हम लोग पहुंच गए काफी तकलीफ के बाद हम लोग जाने वाले हैं नीचे खाई है तो हम लोग नीचे कहीं दिखाते हुए रहे वीडियो ये झरना है और हमारे सारे भाई लोग आ रहे हैं और ये मैं पंडा जी रुक गया उठा के चाचा ध्यान देवे नशा पत्ती ना करे बिल्कुल नशा बिना फेंके काफी सुंदर नजारा यहाँ पे हम लोग अब जा रहे हैं और फिसल फिसल के यहाँ हम लोग कूदने वाले हैं लगता है हमारा सब हेलमेट अरे हमारा सारा हेलमेट टंगा हुआ है लाइन से रख दिए हैं भैया भैया हेलमेट कितने का भैया झरने पर ₹2.5 किलो और यहाँ दो हेलमेट जो कि फोटोशूट में अभी यहाँ अभी ज्यादा भीड़ नहीं है तो आप सब फैमिली लेके आ सकते हो काफी सुंदर झरना है व्यू आप देख सकते हो बेहतरीन नहाने और ये राइड पे एक एक करके सब के सभी लोग सारे दोस्त काफी मजा आ रहा है वहाँ फुट राइड और आगे पीछे बम्पर भी पड़ने वाला है वो बताने के लिए
ये झरना सब देख सकते हैं यहाँ फुल मजा से मतलब स्लाइड कर कर के नहा सकते हैं यहाँ हमारे सारे बंदे। और ऊपर जाना तो मुमकिन है क्योंकि बहुत कई जम चुका है तो ऊपर जाना सही नहीं लगता हम लोग को, तो हम लोग यहीं से चढ़ पाना भी मुश्किल है बहुत। ये देखिए उधर आ रहा है, इधर अपना नदी आगे जाता हुआ। तो यहाँ अपना सब अपना बम बना के बम भाई तो सब अपना बम बचा के देखिए। और ये जहाँ नहाने के लिए अपने बम को बचाना पड़ेगा, काफी जोर जोर से लगता है, देख सकते हैं। वीडियो कैसे लगा कमेंट करना और शेयर करना, और आगे ऐसे और हम लोग जाएंगे तो वीडियो में सब्सक्राइब करते रहें ताकि अगला वीडियो आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।